पहुंचे हैं आज बहुत सुंदर जगह है महावतार बाबा जी उनके शिष्य लहड़ी महाशय उनके शिष्य है योगानंद युक्तेश्वर गिरी योगानंद परमहंस के हरिहर जो शिष्य थे हरिहरानंद जी उनका जो क्रिया योग का आश्रम है जो शांति से भरा हुआ ये वातावरण है। देखिए तरह तरह के पेड़ लगाए गए हैं, बहुत विराट एरिया है, सुंदर तरीके से इसको बनाए गए हैं, इसके अंदर मेडिटेशन किए जाते हैं। हम आगे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि योग के मैनिफेस्टेशन के लिए, योग के हाईएस्ट अचीवमेंट के लिए जो जगह बनाई गई थी वो जगह में इतने वाइब्स हैं, कितने अच्छे लगते हैं। आइए भारत के गुरु परंपरा में, योग के परंपरा में, योगिक साइंस के परंपरा में जो चलती आ रही है उस धारा में ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योगानंद परमहंस जी का जो किताब आज तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स में लीडिंग किताब है, लीडिंग चीज है, लीडिंग स्पिरिचुअल बुक है। उन्हीं परंपरा के चलते हुए हरिहरानंद जी को हमने दर्शन किया, अब प्रार्थना करके पूरे आश्रम को दर्शन करेंगे। अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् अहम् निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुर्व्याप्त सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम् सदा मे शमत्वं न मुक्तिर्न बन्ध चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपो शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यो मोक्षमूलं गुरोर्कृपा शिव 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 शम्भो एकाक्षर ब्रह्म गीता के गीता से लिए गए हैं। ओम दैट द ओनली सिलेबल इज ब्रह्मन। सीता को अग्नि परीक्षा क्यों ली राम ने, हम ये सब पूछते हैं। सीता ने कभी नहीं पूछा, इसके पीछे बहुत गहरा कारण दार्शनिक और रिसर्चर्स बताते हैं। अवन अक्सर इसके ऊपर ये कहते हैं कि जग के सब पहेलियों का देके कैसा हल गए, लोग के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए ना दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में ना जली राम जल में जल गए। वही राम जिससे भारत का जो प्राण है, भारत का जो स्वाभिमान है, भारत के जीवन के शैली है, उनके दर्शन करते करते आगे आगे बहुत अच्छी चीज देखी जाए। श्री कृष्ण।
नहीं मैं औद्योगिक सही है मया बखिल प्रभु मानो ये मां नियुक्तया उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते ये युक्तना युक्ततमा मताः I consider those to be the most devoted to me, the best of the yogis, who fix their mind on me, who are eternally united with me, who are endowed with strength. इसके अंदर हम देख रहे हैं कि योगानंद जी के अंदर योग के पूरे यूनिटी का दिखाया गया है जो जो भी आदमी ब्रह्म को जाने हैं एनलाइटन हुए जिस किसी भी मार्ग में सभीयों के लिए बता कि यह जिंदा व्यवस्था ग्रंथ है जिसके जिंदा व्यवस्था जिनके ग्रंथ है और जरूरथ्रस्ट उनके प्रोफेट हैं उनके मैसेंजर है उनका और उनका मैसेज से कुछ दिया गया है एनलाइटन पर्सन के सभीयों के दिए गए आगे आगे हम जीसस को सभीयों को देखते जाएं ये है जुडाइज्म का प्रतीक ये और एक रास्ता है जिस रास्ता से जाकर उस सत्य से पहुंचा सत्य तक पहुंचा जा सकता है चलिए अहिंसा परमो धर्मो ये है भगवान महावीर जैन जैन परंपरा के 24 तीर्थंकरों के अंतिम तीर्थंकर तीर्थंकर शब्द का अर्थ होता है तीर्थ यानी घाट घाट को जो पार करा दे घाट यानी नदी घाट नहीं संसार के घाट भाव के घाट ये जो इल्यूजन है ये जो भ्रम में हम पड़े हैं ट्रूथ क्या है कॉन्शियसनेस क्या है हमको पता नहीं है उसके घाट को पार कराने वाले महावीर जैन जो कि 24 तीर्थंकर जिसके आदिनाथ या ऋषभनाथ है पहले तीर्थंकर इसके 24वें तीर्थंकर है महावीर इनको तो सभी जानते हैं गौतम बुद्ध सिद्धार्थ गौतम जिन्होंने बुद्धत्व को पाया बुद्धिज्म के जो पहले आदमी है और ये है बुद्धिज्म के गुरु पूरे विश्व के गुरु इनके सिद्धांत एट फोल्डेड मार्ग अष्टांग मार्ग बुद्ध की फिलोसफी यहाँ पर दिया गया ये है बुद्ध आगे आगे ये है आदि शंकराचार्य ये है कोई धर्म के अंदर बांधे मत हालांकि इन्होंने हिंदू धर्म को पूरे विश्व में फिर से बचाया था हिंदू के संस्कृति को बचाया था ये एनलाइटन पर्सन है ये है हिंदू धर्म के प्रतीक और जिन्होंने री एस्टेब्लिश किया था दुर्लभम त्रयमे वैतद्वामुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुषाश्रयः महापुरुषाश्रयः आदि संग्रह के विवेक चूड़ामणि फिर से लिया गया जो हम कहते हैं क्रिश्चियनिटी के जो है जीसस क्राइस्ट एनलाइटन पर्सन मैसेंजर उनके माता जी मेरी आत्मा भगवत्ता की स्तुति करती है और मेरी भावना मेरे तारणहार ईश्वर में आनंदित होती है जो ये एक एग्जाम हो रहा था चाहे जर्मनी में यूएसए में ठीक से ख्याल नहीं आ रहा है वहाँ पर जो अंतिम में तीन थे जो लास्ट में सिलेक्ट हुए थे उनको एक परीक्षा दी गई थी कि एक रूम के अंदर वो है एक और द्वार में ताला है दरवाजे पर ताला है कौन खोल के निकल पाता है एक घंटे के अंदर एक घंटा तक दो उसमें से करते रहे कोशिश खोल नहीं पाए एक आदमी कोने में बैठा था कुछ कर ही नहीं रहा था ये सब सोच रहे थे कि मूर्ख है वो उठा और द्वार खोला चला गया द्वार में ताला लगा ही नहीं गया था वो झूठ बताए गए थे उसी तरह जो तो कहने के पीछे का कारण है कि द्वार खुला ही है हम में उतने समर्पण है कि हम खोलें कोशिश करें यही लिखा गया है पूछो और आप प्राप्त कर जाओगे ये पढ़ने में जितना आसान है उतना आसान है नहीं पूछना अनन्य भाव से होना चाहिए पूछना डीपली डेडिकेटेड होना चाहिए कि अंतर से उठे पूछो आप प्राप्त कर लोगे मांगो और आप पाओगे दस्तक दो और द्वार आपके लिए खुल जाएगा बाइबल का वचन है जीसस का वचन अगर आप सोच रहे होंगे ये कौन है या फिर दिखाई दे नहीं दे रहे शायद मूर्ति कोई ले गए नहीं ये शून्य ही है ये अल्लाह यानी शून्य का प्रतीक है किसी धर्म के अंदर नहीं जाते हैं ये कहते हैं कि सब जब है आसिक तुम्हारे नाम का सब जब है आसिक तुम्हारे नाम का सब जब है आसिक तुम्हारे नाम के फिर क्यों है झगड़े रहीम और राम के ये है सेंट फ्रांसिस ये बताएं कि हे ईश्वर मुझे अपनी शांति का माध्यम बना दीजिए जहाँ गुना हो वहाँ मैं प्रेम का संचार कर दूं सेंट फ्रांसिस की ये है गुरु नानक गुरु ग्रंथ साहिब का ये लिखा हुआ है इनकी यहाँ पर चित्र दिखाए गए है चैतन्य महाप्रभु जो कि श्री मंदिर में एक बार आए थे और एकादशी की तिथि थी उनके हाथ में किसी ने महाप्रसाद पकड़ा दिया रात का समय था एकादशी की तिथि लग चुकी थी एकादशी में कुछ खाते नहीं उपवास करते हैं और महाप्रसाद के अपमान भी वो करते नहीं इसलिए रात भर कीर्तन चलता रहा समर्पण भाव से वो हाथ में पकड़े रहे उस महाप्रसाद को सुबह हुई जाकर स्नान किए उस महाप्रसाद को सेवन किया इस तरह का डेडिकेशन उनका ये है सर्वधर्म समन्वय का भाव यहाँ पर लिखा है ऋग्वेद का एक चीज है ऋग्वेद का कि एकम सत विप्रा बहुधा बदंती एकम सत विप्रा बहुता बदंती इसका अर्थ होता है कि गॉड और ट्रूथ इज वन बट पीपल वर्शिप सिम इन द डिफरेंट नेम्स एंड फॉर्म्स जस्ट लाइक अ मैथमेटिशियन मेथड इज डिफरेंट फ्रॉम अनदर मैथमेटिशियन बट द आंसर इज सेम कि जो हजारों तरह के धर्म है ये क्या है इतने धर्म भारत में पृथ्वी में क्यों है सत्य तो एक ही है
हर धर्म एक अध्यात्म के रूप में आरंभ हुए थे। जो भी उसके धर्म के मूल आदमी है वो रियलाइज्ड है, एनलाइटेंड है, उनको पता है कि सत्य क्या है। वो जानने के बाद उन्होंने जो रास्ता दिखाया उसके बाद उनके जो फॉलोअर्स आते हैं वो गलती करते हैं, वो रास्ता को भरमाते हैं लोगों को, रास्ता से भटक जाते हैं, लोगों को भटकाते हैं। वो अध्यात्म धीरे धीरे चलते भांड का रखना या धर्म के रूप में या पूजा पाठ इत्यादि के रूप ले लेता है, धीरे धीरे भ्रष्ट होता रहता है। इसी तरह से जो पूरे धर्म है ये सभी धर्म एक ही जगह पर लेकर पहुंचा देते हैं, जैसे कि पूरी हो, काशी हो, बनारस, दिल्ली, उस जगह के लिए एक ही रास्ता नहीं, जगह एक है पर रास्ता अनेक है और हर किसी रास्ते से जाकर आप पहुंच सकते हैं। जो पहुंच चुका है उसको ये दिखाई देता है कि पहाड़ के ऊपर जो खड़ा है उसको दिखाई देता है कि जो जिस रास्ते से भी आए पहुंच सकता है, हर रास्ता का सम्मान है, हर रास्ता लेकर पहुंचा देते हैं। ये सभीों के प्रतीक इस जगह पर दिखाए गए हैं और इन सभियों धर्मों को छोड़कर अपने राह पर डेडिकेशन में जाकर भी पहुंचा जा सकता है कि सर्वधर्मा परित्यज्यमामि एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये सबको छोड़कर भी जाया जा सकता है पर वो फिर से एक दूसरे नए धर्म के फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से अच्छे लोग आते रहेंगे, सच्चे लोग आते रहेंगे, फिर से भ्रष्ट होता रहेगा, फिर से सच्चा आता रहेगा, ये पूरा समय का चक्र चलता रहेगा। यही शाश्वत सनातन नियम है, इसी को कहते हैं एटर्नल ब्लिस। तमें टिके चाखी मतामत दियो केबे तो खाई नथिलो को किन आदित्य आ गोटे देबे कहनु ओरे जे खोजन दा खाई गवारी चालन दे खोजन दे जागा टा डेगा बेस्ट पूरी टाका पुलिस में बेस्ट पेबे जे दोला आसीबे ने बरसंग पर निगम मेडिकल तो सामना पूरा संतुष्ट तो भर कह।